रेडियो सिटी 91.1 पर बरका 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 लेडीज फर्स्ट लाइक बरका रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मैं हूं आरजी बरकार। लेडीज फर्स्ट शो में हमेशा हमारी आपसे मुलाकात होती है। अब महिलाओं की बात चली है तो भैया महिलाएं स्कूटी एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो बिटिया रानी को स्कूटी लेना है, पापा को टेंशन हो जाती है, भैया को टेंशन हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना बेटियों को ही एजुकेट करें कि स्कूटी खरीदते समय किन किन बातों का ख्याल रखा जाए। तो हम पहुंचे हैं वेस्पा के शोरूम में और ये जो स्कूटी है जो यहाँ पे भैया है जिनका नाम है राजीव सिंह, उन्होंने बताया कि मैडम लड़कियों के लिए लेना है तो ये बेस्ट है। लड़कियों के लिए ज्यादातर देखते हैं तो सबसे ज्यादा लड़कियों लोग के लिए क्या होता है कि हम कम्फर्ट स्कूटी खोजते हैं, प्लस कम्फर्ट के साथ उनको क्या होता है कि चलाने में भी डिस्क ब्रेक का जो इश्यूज मिलता है बराबर स्कूटी में, वो सारा कुछ प्रॉब्लम आपको वेस्पा में कभी नहीं मिलना है। अच्छा। और इसके साथ ही पूरा कम्प्लीट सेंट्रलाइज इंजन के साथ देती है, इसके साथ आप कभी भी अनबैलेंस वगैरह नहीं होते हैं और डिस्क ब्रेक से भी कभी भी इश्यूज नहीं मिलेगा। इसके साथ अगर जो जाते हैं पेंट पॉलिसी पे तो आपका ये 3 लेयर कोट पेंटेड देता है। इतना टेक्निकल भाषा हम ज्यादा समझ में आवे, ये 3 लेयर कोटिंग क्या है? ये पेंट की बात करते हैं। अच्छा। जैसे अदर स्कूटी में क्या होता है कि हम पेंट की साइन देते हैं तो हमारा 1 साल या 6 महीने में वो ग्लोरी चला जाता है। अच्छा, किसकी नहीं जाएगी? गारंटी नहीं जाएगी? हाँ, एकदम नहीं जाएगी। कसम खा के बोलो नहीं जाएगी। हाँ, नहीं जाएगी। अच्छा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और एज अ फोर्थ क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि नहीं जाता, उसका मेन पर्पस है कि ये कम्प्लीट 3 कोटेड पेंट की जाती है, यानी कि 3 बार पेंट चढ़ाया जाता है। ठीक है, 3 बार 3 पेंटिंग की कोटिंग इस पे की हुई है। बिल्कुल। और इसके साथ ही मेन जो सबसे ज्यादा गर्ल्स लोग को मेन बेनिफिट मिलता है कि हमारा कैरी करने के लिए होता है तो अच्छा खासा स्पेस आपको मिलता है। अच्छा। तो आप 5 लीटर बोल सकते हैं, 6 लीटर बोल सकते हैं। और इसके साथ फिर फ्यूल कैपेसिटी पे जाते हैं तो गर्ल्स लोग 5 लीटर का स्कूटी लेते हैं, नॉर्मल तो 5 लीटर होता है। अच्छा। फ्यूल भराते हैं, कुछ देर चलाते हैं, उसके बाद फिर फ्यूल लेना होता है, फिर पेट्रोल पंप भरना होता है। बिल्कुल। तो इसमें हम 7 लीटर का फ्यूल टैंक देते हैं कि आप एक बार फ्यूल को बढ़ाएं और आराम से चलाएं। ओके, इसमें 7। अच्छा, पहले ये बताइए माइलेज कितना देती है स्कूटी? माइलेज प्रैक्टिकल अगर जो हम स्कूटी पे जाते हैं तो 45 प्रैक्टिकल पटना माइलेज आता है। अच्छा। क्योंकि 4 स्ट्रोक में 3 वाल्व का इंजन देता है जी। इसके साथ मैप से। अच्छा, ये 4 स्ट्रोक में 3 वाल्व का इंजन क्या है? बल्ब होता है कि हमारा एक स्पीडो देता है, जैसे स्पीड के लिए होता है। अच्छा। प्लस माइलेज पर्पस में भी यूज आता है। मैप सेंसर होता है कि जैसे हम गाड़ी को चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय क्या होता है ट्रैफिक पे हमको गाड़ी को रोकना हो जाता है 1 मिनट, तो उस दौरान क्या होता है कि हम गाड़ी को बंद नहीं करते हैं, स्टार्ट पे नहीं रहता है। ओके। तो कंज्यूमर जो हमारा 100% फ्यूल खाता है वहाँ पे हमारा फ्यूल 75% खाता है। अब हम बात करते हैं मोड सिस्टम की। तो मोड में हमारा क्या है कि आप यहाँ मीटर पे देखेंगे तो टोटल किलोमीटर के बाद एक ट्रिप ए आ जाता है जी। तो ट्रिप ए को हम चाहे तो 0 कर सकते हैं, इसको आप 0 कर दें तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा। इसके बाद क्या होगा कि आपका यहाँ से स्टार्ट किलोमीटर हो गया। जैसे हमको कहीं का मापना है कि कितना किलोमीटर टुडे हम आज मूव किए थे, गाड़ी चलाए थे, तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, फिर से आप उसको 0 कर सकते हैं। ओके, डन। ये एक हो गया। दूसरा हमारा हो गया लोकेशन के बाद एक ट्रिप बी होता है जी। ट्रिप बी में क्या हो गया कि माइलेज कितनी गाड़ी हमारी दे रही है उस चीज को भी माप सकते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे भी बॉक्स है। हाँ, आप देखो एक छोटा सा ये बॉक्स है। ओह वाओ, पर्स के लिए ज्यादातर बहुत ज्यादा बेनिफिट है। जैसे छोटा पर्स वगैरह है तो वो कैरी मोबाइल रख सकते हैं, चुन्नी रख सकते हैं, छोटा सा पर्स रख सकते हैं, पानी की बॉटल रख सकते हैं। और इसके साथ ही एक और, जैसे अब किन्हीं के पास बड़ा बैग है, गर्ल्स लोग के पास वो भी होता है, तो उसको कैरी करने के लिए भी यहाँ पे एक यहाँ पे भी आपने दे रखा है। राइट। और डिस्क ब्रेक की आपने बात कही तो वो क्या है जरा बताइए। हमारा भी जो हमारा चल रहा है जिसमें CBS मॉडल आता है कंबाइंड ब्रेक सिस्टम के साथ, हाइड्रोलिक और एयरक्राफ्ट सस्पेंशन के साथ। इस सस्पेंशन में ज्यादातर बेनिफिट गर्ल्स लोग को होता है कि झटका जो हम फील करते हैं स्कूटी वगैरह में वो कभी भी इस सस्पेंशन के दौरान नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और कितना भी गाड़ी स्पीड में चलाएं, कितना भी स्लो में चलाएं या जैसे भी चलाएं, ब्रेक लेंगे तो उनको कभी भी ये ट्रबल नहीं होगा। इसके साथ CBS हो जाता है कंबाइंड ब्रेक सिस्टम। इसका बेनिफिट है कि आप एक सिंगल ब्रेक भी यूज करते हैं तो दोनों ब्रेक आपका काम करता है साथ में, ये मेन पर्पस है इसका। और प्लस इसके साथ फिर टायर पे आते हैं तो टायर आपका जो देख रहे हैं, आप टायर का मोटापा देख रहे हैं, इससे अनुभव हो रहा होगा कि टायर क्या है। ये कंप्लीट ट्यूबलेस विथ रेडियल टायर। तो टायर मोटा होना चाहिए कि पतला होना चाहिए? टायर मोटा होता है तो आपका ये जैसे टायर हमारा ज्यादा घिसता है जी, जल्दी चेंज कराना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि ये रेडियल हो गया, ट्यूबलेस विथ रेडियल। ट्यूबलेस का लिमिट हमारा 10 से 15 किलोमीटर होता है। अच्छा। लेकिन रेडियल टायर हो जाने के बाद वो लिमिट बढ़ जाता है, वो लिमिट फिर 25 किलोमीटर क्रॉस कर जाता है, यानी 30 किलोमीटर तक
पंचर होने के बाद आप 30 किलोमीटर तक चला सकते हैं, यानी कि आप वहाँ पे पहुंच जाओगे जहाँ पे गाड़ी बनाने वाले भैया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल स्कूटी में या तो स्कूटी गिर जाती है तो लाइट आपकी ब्रेक कर जाती है, लेकिन वेस्पा में इस चीज को भूल जाएंगे, लाइट कभी टूटने वाला नहीं है। आप इसको हथौड़ी से भी मारो तो ये भी ब्रेक नहीं करे। प्लस ये लैंप के साथ देता है। लैंप में सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है कि आपको दूर तक का बढ़िया दिखे। अब यहाँ पे गाना अच्छा लग रहा है, आंख मारे ओ गाड़ी आंख मारे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो प्लीज अपना क्वेश्चन जरूर यहाँ पे पुट अप करें, आपकी क्वेरीज मैक्स टू मैक्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। सुनते जाइए बड़ी जरा पास आना फिर ये आप जरा सुनते जाओ रेडियो सिटी 91.1 एफएम, रग रग में दौड़े पटना। बरखा 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 लेडीज फर्स्ट लाइक बरखा।